नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजू हेल्प में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ी दो बड़ी प्रमुख अपडेट लेकर आए हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं आंगनवाड़ी कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन को लेकर। इसके साथ ही सरकार ने बड़ा फैसला किया है आंगनवाड़ी कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता देने का। दोस्तों दोनों अपडेट किस राज्य से निकल कर आ रही हैं, आगे वीडियो में आपको पूरी जानकारी डिटेल के साथ बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं, फिर हमें कमेंट करते हैं कि भाई ये वीडियो ऐसा है वैसा है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे चैनल पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ी कोई भी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों जानते हैं दोनों अपडेटों के बारे में डिटेल से। तो दोस्तों हम आ चुके पहली अपडेट की तरफ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करे सरकार, उपमंडल इंदौर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक सुनीता ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश आंगनवाड़ी संघ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। दोस्तों है जो अपडेट है हिमाचल प्रदेश निकल कर आ रही है। बैठक के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की सरकार से मांग की गई है। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 18,000 और सहायिका को 9,000 मानदेय देने, नर्सरी की कक्षाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त करने की मांग भी उठाई है। वक्ताओं ने कहा है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं को जमीन स्तर पर लागू करने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तत्पर रहती हैं। इस मौके पर संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुनीता ठाकुर ने कहा है कि जल्द ही प्रदेश में मंडल स्तर पर आंगनवाड़ी संघ का चुनाव कराया जाएगा। बैठक में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ उपमंडल इंदौर के महासचिव अजय कुमार समेत शिरिष्ठा देवी, अजय कुमारी, नीलम कुमारी आदि भी मौजूद रही हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने यहाँ देखा है, यहाँ पर हिमाचल की सरकार जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करेगी। तो इन्होंने अपनी मांगें रखी हैं कि सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करे और इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। इसके साथ ही कार्यकर्ता का 18,000 और सहायिका का 9,000 मानदेय करे और इनको नर्सरी कक्षाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त करने की भी मांग उठाई है। तो दोस्तों चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो दोस्तों आज के दूसरी अपडेट की तरफ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को शिवराज सरकार का बड़ा तोहफा, भुगतान करेगी यह राशि। दोस्तों यह जो अपडेट है मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन पर उन्हें प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को फायदा मिलेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग के ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया गया है। इसके अंतर्गत जिला से निर्धारित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्त का भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों हम जानते हैं कि क्या है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। इस योजना के जरिए काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम पोषण को सुनिश्चित करना होता है। इस योजना के जरिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को 5,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इस आर्थिक मदद से मिलने से गर्भवती महिलाओं को आराम मिलने का समय मिल जाता है। इस योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं मिलता है जो किसी भी केंद्रीय या फिर राज्य सरकार के उपक्रमों से जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ ही कैसे होता है भुगतान। इस योजना का लाभ मात्र पहली जीवित संतान पर मिलता है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत 3 चरण में रुपए का भुगतान करती है, जिसकी पहली किस्त में गर्भवती गर्भावस्था के रजिस्ट्रेशन के समय 1,000 रुपए का भुगतान किया जाता है। दूसरी किस्त का भुगतान गर्भवती महिला के 6 महीने पूरे होने पर किया जाता है। इसमें महिला को 2,000 रुपए का भुगतान किया जाता है, जिससे गर्भवती महिला को इलाज और दवाई को खर्चे में मदद मिल सके। तो दोस्तों जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है, जो मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सरकार है, यहाँ पर इन्होंने एक फैसला किया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के क्रियान्वयन के लिए उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो दोस्तों कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। जैसे इसके बारे में कोई जानकारी आएगी हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो दोस्तों कैसा है आपको ये वीडियो लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे चैनल पर
आपसे जुड़ी कोई भी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों से जुड़ी, आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।